गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, हाउ आर यू। आज हम लोग ऐसा जादू बताने जा रहे हैं जो बिना डिवाइड किए ही आप बता देंगे कि वह नंबर 2 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है या 4 से है या 5 से है, 6 से, 7 से, किसी भी डिजिट से है। अभी 11 तक इसके इसी आधार पर आगे भी आप बता सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए। देखिए वह कौन सा जादू है। तो मैं जो जादू बतला रहा हूं उसको सीखने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा। अब देखिए जब सीख जाएंगे तो आप बिना डिवाइड किए बता देंगे ये तो 7 से डिवाइड है, ये 5 से डिवाइड है। लुक हियर, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आज हम लोग चल रहे हैं और नजदीक से देखिएगा तो देखिए। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में 2 से पहले हम लोग देखें तो 2 का होता है, ध्यान दीजिएगा, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वन डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। तो वह 2 से डिवाइड होगा, मतलब जिसको यूनिट प्लेस पर, अर्थात अगर मान लीजिए कि पूछ लिख दिया 5, 1 और 0 कर दिया तो ए 2 से डिवाइड है। आप 9, 9 अगर लास्ट में 2 दे दे तो देख रहे हैं इवन नंबर है ना, तो ये सब के सब 2 से डिवाइड हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें से कुछ भी हो 0, 2, 4, 6, 8 है ना, कोई भी दे दीजिए 1, 1, 8 कर दीजिए, ये भी 2 से डिवाइड है। अंडरस्टैंड। अब देख लीजिए 3 से कैसे जानेंगे, व्हाट 2 से तो आप समझ गए बिना डिवाइड किए हुए पहचान जाएंगे कि नहीं, ठीक है, थैंक यू। अब जो है 3 से ए नंबर इज डिवाइजेबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइजेबल बाय 3। उस नंबर के डिजिट को सम करते हैं और वो सम करने पर यदि 3 से डिवाइड है तो वह पूरे के पूरे नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए जैसे हम एक नंबर लिखते हैं एग्जाम्पल में, व्हाट 1, 2, 3। अब देखिए कि यह 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1 + 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 6 को आप डिवाइड करते हैं कितना से, 6 को 3 से डिवाइड करते तो पूरा कट जाएगा ना, लग जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा ना। तो यह पूरे नंबर कितना 123 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अंडरस्टैंड, 123 भी क्या चीज से, 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या मैंने बताया कि उसको डिजिट को ऐड कर दीजिए, अब ऐड करके देखिए कि वह 3 से डिवाइड है कि ना। तो 1, 2, 3 को ऐड किए तो ऐड करने पर 6 आ गया, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे। मन में ही करिए, ये नहीं तो समझाने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है, एकदम कोई कलम कॉपी नहीं, मन में इसको कर कर करके बता दीजिए, क्या बता देंगे आप, थैंक यू। तो ये चीज हो गया। अब देखिए 4 के डिवाइजेबल क्या रूल है, कहता इफ द नंबर फॉर्मेड बाय इट्स डिजिट्स इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिवाइजेबल बाय 4 टेंस एंड वन प्लेस। वाह, एग्जाम्पल सपोज दैट हम लिखते हैं 9, 7, 2, 1, 2। अब देखिए या यहां पर आउट दे दीजिए कुछ 5, 1। तो हमको सभी से मतलब नहीं है,
हमको देखना है केवल वंस टेंस, इस नंबर से मतलब है, ये दो गो नंबर से माने वंस टेंस। अगर वन टेंस मिला करके 12 हो जाता है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। इट मींस ये पूरे के पूरे नंबर है ना, अर्थात कितना 97,512 ई डिवाइड बाई 4। केवल थोड़ा सा ही हम लिए इसमें से दो डिजिट दिए, कौन कौन, वंस और टेंस प्लेस पर 12 था, 1 और 2 12, और इसको लगा के देखे 4 से डिवाइड होता है कितने पूरा हो गया, तो ये पूरे के पूरे नंबर कितना से 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप लगा के देख लीजिए, एंड 5 का डिवाइजेबल लॉ जो है बहुत इजी है, वो देखते ही पहचान जाएंगे उसका क्या चीज है। मैंने बताया कि नंबर इज डिवाइजेबल बाय 5 इफ इट्स वन डिजिट इज 0 और 5, वंस प्लेस पर 0 और 5 हो वह 5 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज दैट अगर कितना बड़ा नंबर आप लिख देते हैं 8 अंत में 0 देते हैं, तो निश्चित रूप से ये 5 से डिवाइड है, 7, 8, 1 अंत में 5 दे दीजिए, निश्चित रूप से ये 5 से डिवाइड है, क्योंकि वंस प्लेस पर यहाँ क्या है 0 है, वंस प्लेस पर क्या है 5 है, तो पूरे नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब देख लीजिए 6 का डिविजिबल लॉ क्या होगा, तो कहता है कि इफ इट इज डिवाइजेबल बाई ईच वन ऑफ 2 और 3, जो नंबर 2 और 3 के से डिवाइड हो जाएगा वह पूरे के पूरे कितना से 6 से भी डिवाइजेबल हो जाएगा, 2 से भी हो और 3 से भी हो। सपोज दैट आपको मान लिया जाए कि मैं कोई नंबर लिख देता हूं, देख रहे हैं, और इसको हम कर दे, ये नंबर हम लिखते, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये देख रहे हैं, देख करके ही केवल बता देना है यूनिट प्लेस पर कितना है 4 है, तो निश्चित रूप से यह कैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, यूनिट प्लेस पर 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2 से दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, एंड एक और है 3 से डिवाइड के लिए मैंने क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट 1 प्लस 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 हो गया, तो 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करके तो कितना हो जाएगा 4, तो निश्चित रूप से ये पूरे नंबर कितना से 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, तो दोनों से जब डिवाइड है तो यह निश्चित रूप से 6 से भी डिवाइड होगा, अंडरस्टैंड, जो नंबर कितना से 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो वह निश्चित रूप से 6 से भी डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से सभी के सभी हमको जान लेना है, और इतना आप याद करके रखिए, मैं इसे सुनूंगा, इसको एकदम आत्मसात कर लीजिए, और तब और सब मैं बताऊंगा, लेकिन आप किताब जितना जल्द खरीद सकें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू।